नमस्कार दोस्तों, कल रिलीज हुई थी धनुष की 50वीं फिल्म। पैन इंडियन लेवल पे ये फिल्म रिलीज हुई थी। तमिल, तेलुगु और हिंदी में ये रिलीज हुई है, और साथ ही में डेडपुल और वॉल्वरीन, जिसने तहलका आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी अनु मलिक की भाषा में। क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रायन ने कल पहले दिन में कितनी कमाई की थी। बाय द वे, ये दोनों ही मूवीज के रिव्यूज हमने किए हैं, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखते हैं रायन ने कितनी कमाई की। रायन ने कल कमाई की है 13.65 crore की, जिसमें तमिल का, जो उनका ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है 11.85 crore, तो तेलुगु का है 1.6 crore और हिंदी का है मात्र 20 lakh rupees। कल का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था 15.70 crore। ओवरसीज में इस मूवी ने कमाया है 5 crore, तो वर्ल्ड वाइड इसका पहले दिन का कलेक्शन हो चुका है 20.70 crore। कल तमिल 2D लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी थी 58.65% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 48.52%, आफ्टरनून के 50.70, इवनिंग के 55.37, तो नाइट शोज के 79.99%। तेलुगु 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 26.23% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 22.49, आफ्टरनून के 25.26, इवनिंग के 23.50, तो नाइट शोज के 33.68%। हिंदी 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 7.10% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 5.04, आफ्टरनून के 8.29, इवनिंग के 5.98, तो नाइट शोज के 9.09%। अब आते हैं डेडपुल की तरफ। डेडपुल ने अपने पहले दिन इंडिया में उसने कमाई की है 22.3 crore की, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन है 11.9 crore, हिंदी का 8.1 crore, तेलुगु का 1.2 crore, तो तमिल का 1.1 crore। कल का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था 26.70 crore और ओवरसीज में इस मूवी ने पहले दिन कमाए हैं 500 crore और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो चुका है 1000 crore। क्या बात है। ऑक्यूपेंसी वाइज देखते हैं, कल इंग्लिश लैंग्वेज की 3D की ऑक्यूपेंसी थी 33.32% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 27.97%, आफ्टरनून के 25.24, इवनिंग के 31.32, तो नाइट शोज के 48.73%। इंग्लिश आईमैक्स 3D की कल ऑक्यूपेंसी थी 69.11% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 63.04, आफ्टरनून के 62.03, इवनिंग के 69.26, तो नाइट शोज के 82.09%। हिंदी 3D की कल ऑक्यूपेंसी थी 24.44% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 22.46, आफ्टरनून के 18.63, इवनिंग के 22.72, तो नाइट शोज के 33.94%। इंग्लिश 4DX इसकी कल ऑक्यूपेंसी थी 71.14% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 63.52, आफ्टरनून के 61.42%, इवनिंग शोज के 77.78, तो नाइट शोज के 81.85%। हिंदी 4DX 3D की कल ऑक्यूपेंसी थी 65.27% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 66.44, आफ्टरनून के 79.67, इवनिंग के 57.57, तो नाइट शोज के 57.38%। इंग्लिश आइस 3D की कल ऑक्यूपेंसी थी 76.34% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 61.75, आफ्टरनून के 69.60, इवनिंग के 80%, तो नाइट शोज के 94%। 3D इंग्लिश इसकी कल ऑक्यूपेंसी थी 49.25% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 40.67, आफ्टरनून के 47.33, इवनिंग के 45%, तो नाइट शोज के 64%। इंग्लिश 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 31.97% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 18.15, आफ्टरनून के 27.39, इवनिंग के 29.93, तो नाइट शोज के 52.40%। इंग्लिश MX 4D 3D की कल ऑक्यूपेंसी थी 66.50% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 42, आफ्टरनून के 67, इवनिंग के 71, तो नाइट शोज के 86%। इंग्लिश 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 65% की, जिसमें मॉर्निंग शोज नहीं थे शायद ज्यादा, आफ्टरनून के थे 34%, इवनिंग के 68 और नाइट शोज के 93%। हिंदी 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 20.47% की, जिसमें मॉर्निंग के थे 16.13, आफ्टरनून के 15.23, इवनिंग के 17.77, तो नाइट शोज के 32.75%। तेलुगु 3D की कल ऑक्यूपेंसी थी 23.95% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 21.57, आफ्टरनून के 24.71, इवनिंग के 20.28, तो नाइट शोज के 29.24%। तेलुगु 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 38.69% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 37, आफ्टरनून के 33.19, इवनिंग के 38.67, तो नाइट शोज के 45.90%। तमिल 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 50.45% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 46.67, आफ्टरनून के 43.84, इवनिंग के 43.19, तो नाइट शोज के 68.10%। तमिल 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 37.03% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 32.11, आफ्टरनून के 39.65, इवनिंग के 17.44, तो नाइट शोज के 58.91%। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।